हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक स्विच और एक 5-पिन सॉकेट को किस तरह से वायरिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको उल्टा कर लेनी है। ये हम लोगों का स्विच है, ये हम लोगों का 5-पिन सॉकेट है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले हम लोगों का ये जो स्विच का नीचे का हिस्सा है, इसको थोड़ा ढीला करना है। इसका ढीला कर लिया और ये 5-पिन जो सॉकेट है, 5-पिन सॉकेट का ये हिस्सा हम लोगों को ढीला कर लेना है। ढीला कर लिया। अभी दोस्तों, इस तरह से एक छोटा सा रेड वायर ले लेनी है। रेड वायर लेके इसमें घुसाना है दोस्तों। इससे घुसा के दोस्तों ये यहाँ में दे देना है दोस्तों। अभी देने के बाद दोस्तों इसको वो अच्छा से टाइट कर देना है दोस्तों। दोस्तों टाइट कर दिया, ये टाइट हो गया दोस्तों। अभी देख लीजिए दोस्तों, ये जो हम लोगों का स्विच है, ये स्विच है, स्विच का नीचे का हिस्सा और 5-पिन सॉकेट का ये वाला हिस्सा, ये जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, रेड वायर से जोड़ दिया। अभी दोस्तों क्या करेंगे, इस पर हम लोगों का जो फेस और न्यूट्रल का इनपुट करेंगे, तो वो सप्लाई कहाँ से लेंगे दोस्तों? तो दोस्तों ये देखिए, ये स्विच है। ठीक है दोस्तों, ये स्विच है। तो स्विच के ऊपर का हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, फेस का वायर दे देंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से हम लोग का फेस इनपुट होएगा। तो इसको थोड़ा हम लोग ढीला करेंगे दोस्तों। ढीला करने के बाद इसका अंदर इसको घुसा देंगे। ठीक है दोस्तों, घुसा के इसको हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसको टाइट कर देंगे इसको दोस्तों इस तरह से टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको टाइट कर दिया। अभी इसको न्यूट्रल सप्लाई देंगे दोस्तों। न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से देंगे दोस्तों? तो न्यूट्रल सप्लाई हम लोग का यहाँ में आएगा, ये जो 5-पिन सॉकेट का नीचे का हिस्सा में हम लोग दे देंगे। इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे। इसको ढीला करने के बाद दोस्तों यहाँ में हम लोग का न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे दोस्तों, और इसको दे के इसको कस देंगे। ठीक है दोस्तों, कसने के बाद दोस्तों इसको कस देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको स्क्रू दे के इसको कस देंगे। इसको कस दिया है दोस्तों। अभी इसको टेस्टिंग करके देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो बोर्ड है, इसमें हम लोगों का मेन सप्लाई आ रहा है। तो इसमें हम लोग इसका वायर लेके इसमें घुसा देंगे दोस्तों। और हम लोग अभी टेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो है ये कनेक्शन सही है कि नहीं। तो हम लोग एक बल्ब ले लिया दोस्तों, इस तरह से एक बल्ब ले लिया है और इसको ये अंदर कर दिया, इसके अंदर घुसा दिया। अभी स्विच को करेंगे ऑन, तो हम लोग का लाइट जल गया, मतलब कि हम लोग का ये कनेक्शन सही है। अभी इसको खोल के दोस्तों नीचे का, इसमें ये ऊपर का दिया पहले, तो अभी नीचे का देखे देखते हैं। नीचे में घुसाया और स्विच को करेंगे ऑन, तो दोस्तों हम लोग का कनेक्शन सही है। दोस्तों इस तरह से हम लोग एक 5-पिन सॉकेट और एक स्विच को हम लोग वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों, प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।